हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इची स्कैल्प के कारण क्या होते हैं, ये क्या होता है। हिंदी में अगर हम कहें सिर पर खारिश, खुजली, या इंग्लिश में कहें सिर पर इचिंग होना। दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये स्थिति को जरूर झेला है। ये अगर आप गर्मी में काम करते हो तो आपको ये टेम्परेरी आ जाता है, मगर कई लोगों में ये बीमारी बनकर आ जाता है जो कि महीनों के महीने, सालों के सालों रहती है। जब ये महीने के महीने और सालों के सालों रहती है, ये अपने साथ और बीमारियां भी लेकर आ जाती है, जैसे कि स्कैल्प या अपना सिर में खारिश होना। अगर लंबे टाइम पर पपड़ियाँ जम रही हैं, ये पपड़ियाँ सफ़ेद कलर की भी हो सकती हैं, ये पपड़ियाँ येलो कलर की भी हो सकती हैं, जिसे हम हिंदी में रूसी बोलते हैं। स्केलिंग और डैंड्रफ भी इसे कई लोग कह देते हैं, पर वो सही टर्म नहीं होती। अब ये सवाल आता है, ये होती क्यों? देखो, इसके कारण बहुत हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये कितने प्रकार की होती है। जो 10% ऑफ पेशेंट में ये एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है, वहीं 50% पेशेंट में ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, 80% पेशेंट में ये अपना सोरेसिस होती है। ये तीनों जो परसेंटेज है कि कितने परसेंट पेशेंट में ये इचिंग की तरफ जाती है। तो सबसे पहले हम 10% जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है उसके बारे में जानें। जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि जेनेटिक भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। ये बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है। इसमें जो सिर में पपड़ी जमती है वो रेड कलर की पपड़ी होती है। रेड कलर की पपड़ी जब फटती है तो इसमें से ऊजिंग होकर लिक्विड निकलता है स्कैल्प में से। ये झाड़ने पर भी झड़ती नहीं है सिर से। वहीं जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये इसमें जो पपड़ी होती है, अगर आप सिर में हाथ मारो तो पपड़ी झड़ जाएगी। कई लोगों को एक दो दिन तक ये पपड़ी दोबारा दिखेगी नहीं, मगर एक दो दिन बाद ये पपड़ी फिर वहाँ पर आ जाएगी। ऐसा ही कई लोग कहते हैं, जब भी वो शैम्पू करते हैं अच्छा वाला, तो उनकी डैंड्रफ चली जाती है मगर फिर आ जाती है। तो कारण क्या है जो इनको सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है? इनका कारण ये है कि इनके सेबेशियस ग्लैंड ऑयल ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो ऑयल वहाँ पर फंगस की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इसीलिए ये फंगस बाहर उगने लग पड़ता है। उसको ये ऑयल फूड की तरह काम कर रहा है। अगर आपका सेबेशियस ग्लैंड प्रॉपर काम करने लग पड़े, ओवर ऑयली ना हो, जब ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन करना छोड़ दें, तो आपके जो वो अपना बालों में डर्मेटाइटिस चले जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो पपड़ियाँ होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं और वो हाथ लगाने से झड़ जाती हैं, इनमें क्रैक नहीं होते। वहीं पर सोरेसिस जो 80% है, जो कि जेनेटिक है, पैचेस में दिखता है सिर में, या कईयों में प्रॉपर पूरे सिर में भी होता है हेयर के नीचे। एक बहुत मोटी पपड़ी होती है जिसको आप झाड़ नहीं सकते। आप जितना मर्जी शैम्पू यूज़ कर लो, जितना मर्जी जो मर्जी यूज़ कर लो, इसमें क्या होता है, डेड स्किन बाहर आती है। जो फ्लेक्स होते हैं वो वाइट कलर के नहीं होते, वो सिल्वरी कलर के होते हैं, जैसे सिल्वर दिखता है वो वैसे होते हैं, क्योंकि परत डेड स्किन उस पर चढ़ रही है। अब इसमें होता क्या है, सोरेसिस एक जेनेटिकल डिजीज़ है, इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए इससे इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। होम्योपैथी में बहुत केसेस हैं जो सोरेटिक डर्मेटाइटिस के हैं, जो हमने ठीक किए हैं। अभी भी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी पेशेंट की, आप देख सकते हो। उन्होंने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया जो कि स्किन स्पेशलिस्ट था। उन्होंने उसको कहा कि उसको सोरेसिस ऑफ स्कैल्प है। जब हमने उसको अंडर फोलिकोस्कोप अच्छी तरह चेक किया, कैमरे में जो 600x जूम में चेक किया, तो वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस निकला। देखो, अगर कोई डॉक्टर सोरेसिस के मरीज को सिबोरिक डर्मेटाइटिस की दवा नहीं दे तो काम नहीं करेगी वो दवा। ऐसी सिबोरिक डर्मेटाइटिस अगर आपको है, आपको सोरेसिस की दवा मिल रही है, तो आप कहाँ से ठीक होगे?
तो डिफ्रेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अच्छे डॉक्टर फोलिकोस्कोप या कैमरे, या हम देसी लैंग्वेज में कहें तो कैमरे आते हैं जो 600x में दूरबीन की तरह काम करते हैं और बाल को 600 गुना बड़ा करके दिखाते हैं और बालों की स्किन को दिखाते हैं, वहाँ ये पता लग जाता है स्किन में बीमारी है क्या। तो अब हमारा आया है कि होम्योपैथी का क्या रोल है। देखो होम्योपैथी सोरेसिस हो गया, सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, अटोफिक डर्मेटाइटिस हो गया, ये सभी बीमारियों का बहुत अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में जाओ, मैंने बहुत पेशेंट की वीडियो डाली है जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस से ठीक हुए हैं। बहुत से पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि आपने पेशेंट की वीडियो डाल दी, ये ठीक हो गया, मगर ये दवाइयाँ कौन सी यूज़ की, क्या किया क्या नहीं किया। एक वीडियो में सभी दवाइयाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको टॉप 5 दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो कि मैं नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि यही 5 दवाइयों से आप ठीक होगे। आपको इसके अत्यधिक भी कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये दवाइयाँ ना काम करें, आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलो। अगर जरूरत पड़े तो मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के एंड में होगा, आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हो। तो सबसे पहली जो दवा है वो है मेजेरियम। मेजेरियम उन लोगों की दवा है जिसके सिर में पपड़ियाँ पड़ती हों। ये मेन दवा है जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस की होती है। वो डॉक्टर तो आँख मीच कर मेजेरियम यूज़ कर लेते हैं। इसमें जो स्कैल्प होता है उसमें जो पपड़ियाँ होती हैं वो येलो होती हैं, और ये पपड़ियाँ जो हैं जब उखड़ती हैं ये अपने साथ बाल लेकर उखड़ती हैं, इसलिए ये गंजापन पैदा प्रोड्यूस कर देती हैं। तो इन केसेस में आपको दवा मेजेरियम यूज़ करनी चाहिए। अब दूसरी दवा जो हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है सल्फर। सल्फर जो हम कहते हैं ये किंग ऑफ सोरा है। कोई भी खारिश इचिंग हो ये उसकी ये राजा दवा है, ये उसमें काम करती ही करती है। मगर सल्फर उन लोगों की दवा है जिनको गर्मी अत्यधिक लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये मरीज कुछ हद तक नहाना पसंद नहीं करते। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और जो स्कैल्प होता है स्कैल्प भी इनका ड्राई होता है। तो अगर ये केस है आपका तो आप सल्फर आंखें नीच कर यूज़ करो, और सल्फर 200 आपने रोज़ सुबह खाली पेट लेना है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसके बाद जो अगली दवा हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उन मरीजों की दवा है जिनमें मेजोरियम के ऑपोजिट जो स्किन है वो ड्राई है और वो झड़ती है। जब भी वो हाथ लगाएंगे वो झड़ेगी। ये सर्दियों में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। इसका कोई मौसम जब सर्दियों का आता है तो इन मरीजों में पैर की एड़ियाँ भी फटने लग पड़ती है, तो उसका मतलब है कि इनकी पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ रही है। ये है तो उन केसेस में आपने पेट्रोलियम 200 यूज़ करनी है। इसमें जो स्किन में फिशर हो जाएंगे, तेड़े पड़ जाएंगी और हर्ट करेंगी आपको। अब जो अगली दवा हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है रस्टोक्स। रस्टोक्स अगर आपने हेयर में यूज़ करनी है, आपने 30 पावर में यूज़ करनी है, ये आप सुबह और शाम दो बार ले सकते हो क्योंकि 30 पावर में है। इसमें जो दाने हो जाते हैं हेयर के रूट्स पर वो लाल रंग के दाने होते हैं, जब भी नमी बढ़ेगी गर्मी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। तो इन केसेस में ये दवा बहुत इफेक्टिव होती है। डैम्प वेदर में भी इनको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बारिश पड़ी, बारिश वाले दिन इनकी स्कैल्प में इचिंग बढ़ जाएगी क्योंकि हो सकता है वहाँ पर फंगस हो सकता है वहाँ की स्किन मॉइस्चर के प्रति अट्रैक्टेड हो। अब जो लास्ट दवा है जो हम आपको बता रहे हैं आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम बहुत महत्वपूर्ण दवा है। अभी तो कई डॉक्टर बहुत चीज़ों में आपको यूट्यूब में बता रहे हैं कि आर्सेनिक आपको वायरस से बचा सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, मगर आर्सेनिक के सिम्टम होते हैं। आर्सेनिक में क्या होता है, आपका घबराहट, बेचैनी, सिर में जो खारिश होगी उसके बाद जलन और इचिंग। इनका सिर जो होता है वो गर्म होता है, सिर में ये इनको गर्मी लगेगी, शरीर में इनको ठंडी लगेगी। तो उन केसेस में आर्सेनिक एल्बम दवा यूज़ करनी चाहिए।
तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। जब भी मैं किसी पेशेंट की वीडियो डालता हूँ सिबोरिक डर्मेटाइटिस की, एक दो पेशेंट हैं वो बहुत कंप्लेंट करते हैं, वो व्हाट्सएप करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने दवा नहीं बताया। तो आज ये वीडियो ये उन एक दो मरीजों के लिए है, मैं उनको व्हाट्सएप कर आज बताऊँगा फाइनली मैंने इन्हें आपको दवाइयाँ बता दी हैं, आप इनमें से दवा यूज़ करो। अगर कोई दिक्कत आती है मेरे चैनल पर आप वहाँ लिखो, कोई सजेशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। 90% पेशेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं जितना रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, ओके जी, बाय। आज का टॉपिक यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं।